क्वेश्चन 4 को देखिए. इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए बी ए पी सी पी हमें दे रखे हैं, देन लेंथ ऑफ सीरीज. मैं फिगर आपके सामने बनाता हूं. फिगर क्या दे रखी है यहां पर? वी हैड अ ट्रायंगल ए बी सी, ए ई सी, ए ई सी एक ट्रायंगल है और यहां पर एक साइड है दैट इज बी, दैट इज पी एंड दैट इज डी. ये दे रखी है हमें 4, ये 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और एंगल ए एंगल सी के दे रखा है. एंगल सी ए पी हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ए पी 12, ए बी हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी पी दे रखी है 4 सेंटीमीटर. ये सब गिवन है. टू फाइंड क्या है हमारे लिए, हमें निकालना है सी डी. भाई सी डी की लेंथ बता दो कि ये जो सी डी है वो किसके बराबर होगा. अब आप देखें यहां थोड़ा सा विजुअलाइज करें इस और इस ट्रायंगल में, तो हम इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं. पहले तो आप ये समझो कि इन दोनों ट्रायंगल में ही क्यों लेंगे. देखो जरा, ए पी यहां पर है, ए बी यहां पर है और सी डी जो हमें निकालनी है वो यहां है और सी पी भी यहां है. तो केवल इन दो ट्रायंगल्स की साइडें हमें दे रखी हैं, तो हमें यही लेना पड़ेगा. तो इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं आपका ए पी बी एंड सी पी डी, ट्रायंगल सी पी डी. आप देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और ये वाला एंगल हमें इसके बराबर दे ही रखा है, ये दे दिया उसने. बस दो एंगल मिल गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. क्या होगा, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी. अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं. तो यहां से ए पी अपॉन सी पी लिख सकते हैं, पी बी या फिर पी बी अपॉन पी डी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन सी डी लिख सकते हैं. अब पी बी का तो कोई रोल है ही नहीं, इन दोनों को इक्वल ले लो. ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी. ए पी कितना दे रखा है हमें 12, सी पी कितना दे रखा है 4, ए बी कितना दे रखा है 6 और सी डी निकालना है 4 से 3, 3 से 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू सी डी इज सी डी, 2 इंटू 1 इज 2. तो सी डी जो है वो हमारे पास यहां पे 2 आ जाएगा.